काका एक मिनट काके ने पढ़े हो तो खुद ही तो गया बाहर के काके ने एयर एक्सटेंशन कर लिया तेनू की प्रॉब्लम तू भी कैमरा में आया होता है हैं थोड़ा धुआं धुआं सा आ रहा है पता नहीं। Hey guys, जो आज की हेयर एक्सटेंशंस है मैम के हेयर बहुत कम है तो हम रुको लगा मैं उसको 2 मिनट पकड़ना चले सुलेखा जाओ बाहर चलो 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 हेयर एक्सटेंशंस के लिए आए उनके बाल आप देख सकते हो बहुत ही कम है और इनके वेवी हेयर है कर्ली हेयर है अगर हम इनको स्ट्रेन करते हैं तो फिर इनके अपने बाल बहुत ही थिन हो जाएंगे और इसलिए क्योंकि इनके बिल्कुल एंड्स पे बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है सो हम इनको बिल्कुल इनके हेयर टेक्सचर का देंगे ना हेयर तो ये बिल्कुल इनके हेयर टेक्सचर से मैच करते हैं हेयर तो इनको बिल्कुल सेम टेक्सचर देंगे और इनके बालों पे कोई भी केमिकल यूज नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम इनके बालों पे केमिकल यूज करेंगे तो फिर इनके बाल डैमेज हो सकते हैं ज्यादा और नेक्स्ट टाइम अगर ये स्ट्रेट करवाना चाहे तो नेक्स्ट टाइम ये स्ट्रेट कर सकते हैं बट इस टाइम हम इनको कोई भी केमिकल सर्विस नहीं देंगे और हेयर भी पूरे वेवी लगाएंगे जैसे इनके खुद का टेक्सचर है बिल्कुल और ये बहुत ही स्मूथ हेयर है इनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली जस्ट वॉश करके अगर ये कॉम्ब भी नहीं करेंगे फिर भी ये अपने आप ऐसे अपने आप अलग हो जाते हैं सो बाकी मैं रिजल्ट दिखाती हूँ करने के बाद दिखा देती हूँ आपको हाँ बहुत अच्छे लग रहे रिजल्ट मैम का बिल्कुल पता नहीं लग रहा है इनको हमने बिल्कुल इनके हेयर जैसा ही लुक दिया है कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करे कुछ भी नहीं जस्ट हेयर एड ऑन करे हैं और मैम को मैं फ्रंट लुक दिखा देती हूँ मैम का बट इनका फेस मुझे हाइड करना पड़ेगा क्योंकि मैम को नहीं पसंद कि उनका फेस शो हो तो मैं फ्रंट लुक दिखाती हूँ बाउंस है बिल्कुल पता नहीं लग रहा है एक ही एंगल है ना दो या गलत किया ये क्लाइंट ने कितने अच्छे से खुद ही टाई कर दिए सारे हेयर पकड़े देखो कोई भी जॉइंट विजिबल नहीं है इस साइड से बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा हेयर एक्सटेंशन कोई भी है बिल्कुल नेचुरल हेयर लग रहा है लग गया तो